और बुलेटिन का आगाज करेंगे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी प्रवीण नायक नुनावत ने गुरुवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के परिसहाय के रूप में पदभार ग्रहण किया, जिसको लेकर राज्यपाल ने प्रवीण नायक को शुभकामनाएं दी हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जयपुर में, आपको बता दें कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी प्रवीण नायक नुनावत ने गुरुवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और इनके परिसहाय के रूप में पदभार ग्रहण किया है, जिसको लेकर राज्यपाल ने प्रवीण नायक को इसके लिए शुभकामनाएं दी है। अपनी जिम्मेदारी के साथ नए कार्यों को निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। और इस बीच आपको बताते चले कि अब आने वाले समय में क्या कुछ चुनौतियां होंगी क्या नहीं, अब इसे संभालते हुए आईपीएस प्रवीण नायक का जो कि अब नया कार्यभार संभाल चुके हैं और उसे निभाते हुए नजर आएंगे। तो तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां राज्यपाल के परी सहाय में पदभार ग्रहण का कार्यक्रम किया गया है, जहां आईपीएस प्रवीण नायक नुनावत ने पदभार संभाला है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि राज्यपाल ने जो है आईपीएस प्रवीण नायक को शुभकामनाएं दी हैं। और राजधानी जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के डेलीगेशन के राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े से राजभवन में मुलाकात की है। अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामावतार राव पलसानिया के नेतृत्व में जाट समाज के डेलीगेशन ने मुलाकात कर महाराजा सूरजमल रोड B2 बाईपास जयपुर पर महाराजा सूरजमल की प्रतिमा और महाराजा सूरजमल म्यूजियम बनवाने की मांग की। इस दौरान रामावतार पलसानिया ने बताया कि महाराजा सूरजमल का जयपुर से पुराना नाता रहा है। महाराजा सूरजमल का राजधानी जयपुर में कोई भी स्मारक और म्यूजियम नहीं है, जिसकी मांग को लेकर आज राज्यपाल से मुलाकात की है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के लिए कर हस्तांतरण की राशि के रूप में 10,733 करोड़ रुपए और सड़क नेटवर्क के विकास के लिए 4,406 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। वहीं सीएम शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन सौगातों से प्रदेश में जन कल्याणकारी कार्यों और आधारभूत विकास को नई गति मिलेगी और विकसित राजस्थान के संकल्प को और अधिक मजबूती मिलेगी। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ काम करे। उन्होंने कहा कि कानून का इकबाल बुलंद रखना राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। वहीं उन्होंने महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रति अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस तंत्र की हौसला अफजाई की है, साथ ही साइबर अपराध और अवैध नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम ने कहा कि पुलिस विभाग की सजगता और सतर्कता के चलते बीते साल की तुलना में राज्य में अपराधों का ग्राफ लगातार तेजी से गिरा है और राज्य स्तर पर कुल अपराधों में राज्य में 7.3% की कमी आई है। साथ ही महिला अत्याचारों में 8.8% की कमी और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार के मामलों में 19.96% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय गृह विभाग की समीक्षा बैठक की और राज्य से संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ काम करे। उन्होंने कहा कि कानून का इकबाल बुलंद रखना और राज्य सरकार की प्राथमिकता है और इसे सुनिश्चित करना पुलिस की जिम्मेदारी है। वहीं उन्होंने महिलाओं और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के प्रति अपराधों में कमी लाने के लिए पुलिस तंत्र की हौसला अफजाई की है, साथ ही साइबर अपराधों और अवैध नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। वहीं सीएम ने कहा कि पुलिस विभाग की सजगता और सतर्कता के चलते बीते साल की तुलना में राज्य में अपराधों का ग्राफ तेजी से गिरा है। राज्य स्तर पर कुल अपराधों में राज्य में 7.3% जो है इस अपराधों में कमी आई है और वहीं
साथ ही महिला अत्याचारों में भी 8.8% की कमी आई है और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार के मामलों में भी 13.96% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। फिलहाल जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया, वही कानून व्यवस्था चाक चौबंद बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल यानी गुरुवार को अपने गृह विभाग में समीक्षा बैठक की। और मुख्यमंत्री कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम भजनलाल शर्मा ने जिला कलेक्टर्स की बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम शर्मा ने कहा कि डेंगू मलेरिया और स्कर्ब टाइफस जैसी मौसमी बीमारियों की प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य सरकार पूरी सतर्कता के साथ अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। जिला कलेक्टर्स आमजन को इन बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। उन्होंने कलेक्टर्स को प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों को नियोजित करने, स्वास्थ्य केंद्र पर दवाइयों की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करने और 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम की नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशित किया। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के निर्देशों पर अजमेर में कचहरी रोड पर ड्रेनेज और सड़क निर्माण को लेकर बना गतिरोध समाप्त हो गया है। वित्त विभाग ने इस कार्य के लिए निर्धारित 6.15 करोड़ रुपए की राशि अजमेर स्मार्ट सिटी के पास उपलब्ध राशि में से कराने की स्वीकृति जारी की है और अब कचहरी रोड और एलिवेटेड रोड के नीचे सड़क और ड्रेनेज के कार्य जल्द हो सकते हैं। आपको बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कचहरी रोड और एलिवेटेड रोड के नीचे ड्रेनेज नाला निर्माण और सड़क निर्माण के लिए प्रयासरत थे। स्थानीय लोगों, व्यापारियों और आमजन ने उन्हें काम अटका होने से आ रही परेशानियों से अवगत कराया था। उन्होंने इस संबंध में अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, जिला प्रशासन और आरएसआरडीसी के बीच समन्वय स्थापित कर काम शुरू करने के निर्देश दिए। देवनानी ने राज्य स्तर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, वित्त विभाग और आरएसआरडीसी के अधिकारियों को बुलाकर फंड जारी करने और काम शुरू करने के लिए निर्देश दिए हैं। और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने गुरुवार को वार्ड संख्या 80 में 42 लाख की लागत से सीसी सड़कों के निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में देवनानी ने कहा कि इस साल अतिवृष्टि के कारण शहर में बहुत सी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस सड़कों को सुधारने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। हाल ही में 24 सड़कों के सुधार के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग ने 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की है और इसी तरह अन्य सड़कों के भी कार्य भी शीघ्र शुरू करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय जारी संकल्प पत्र के 70% से अधिक कार्य आरंभ हो गए हैं। तेलंगाना हाउस का आवंटन निरस्त किया गया है, साथ ही साइंस पार्क का पुनः शिलान्यास किया गया है। और उद्योग और वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर के नेतृत्व में राजस्थान सरकार के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर राज्य सरकार की विदेश राज्य मंत्री सिम एन से मुलाकात की। इस दौरान सिंगापुर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के पार्टनर कंट्री बनने का आमंत्रण दिया। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर की कंपनियों की ओर से राजस्थान में निवेश बढ़ाने में उनसे सहयोग की अपेक्षा व्यक्त की है और उन्हें जयपुर में 9, 10, 11 दिसंबर को होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इसके अलावा अपनी सिंगापुर यात्रा के तीसरे दिन राजस्थान सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों के प्रमुख अधिकारियों के साथ मुलाकात की और उन्हें प्रदेश के औद्योगिक पार्कों और शहरी विकास परियोजनाओं, एविएशन, एमआरओ, इंजीनियरिंग, मीडिया, बैंकिंग और वित्त जैसे क्षेत्रों में निवेश का आमंत्रण दिया। अलवर स्थित एक निजी होटल में रामगढ़ उपचुनाव के लिए जिला कमेटी कांग्रेस कमेटी की ओर से बैठक आयोजित की गई है। आपको बता दें कि जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शिरकत की। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि बूथ मैनेजमेंट पर पार्टी की ओर से इस उपचुनाव में विशेष फोकस किया जाएगा और इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ही
पार्टी का प्रत्याशी तय करेगा और कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता उपचुनाव की रणनीति में अपने स्तर पर गंभीर रूप से जुटा हुआ है। वहीं बूथ मैनेजमेंट पर फोकस कर कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अलवर सहित राजस्थान प्रदेश की 7 सीटों पर कांग्रेस प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पिछले 10 माह में ही सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राज्य सरकार हर मुद्दे पर फेल साबित हो रही है और इसी के साथ साथ इनके राज्य में शासन और प्रशासन की लाचार स्थिति में खड़ा है। इसी के साथ ही कई मुद्दों पर उन्होंने निशाना साधा। और हरियाणा में तीसरी बार प्रचंड बहुमत की बीजेपी सरकार बनने पर हरियाणा से लेकर राजस्थान के पूरे देश भर में लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं और आम जन में खुशी की लहर देखी जा रही है। आपको बता दें, बीजेपी हरियाणा प्रभारी और राजस्थान बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया पिछले कई दिनों से जयपुर प्रवास पर है, जहां उन्हें प्रदेश भर से पार्टी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी जयपुर पहुंचकर हरियाणा में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने की बधाई दे रहे हैं। सतीश पुनिया ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों पर हरियाणा के किसानों, जवानों, खिलाड़ियों सहित सभी 36 कौम के अटूट विश्वास की मुहर है। और वही टोंक जिला प्रभारी और ऊर्जा मंत्री ने हीरालाल नागर गुरुवार को उनियारा उपखंड के दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने ग्राम पंचायत रूपवास बनेठा, रूपपुरा और रा सुरेली में भी जिला परिषद मद से 1,18,00,000 की राशि से स्वीकृत कुल 23 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर आमजन को सौगात दी। साथ ही जनसुनवाई कर ग्रामीणों की व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याएं सुनकर अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इस मौके पर टोंक जिला प्रमुख सरोज बंसल समेत सहित अन्य जन प्रतिनिधि और कई विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार हर वर्ग के लोगों के विकास के लिए कृत संकल्पित है। और जयपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने गुरुवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आमजन से आत्म मुलाकात कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करने के लिए निर्देश दिए और बीजेपी के अंत्योदय के मूल सिद्धांत को चरितार्थ करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता और आमजन सर्वोपरि हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकर ग्राम स्तर के जनप्रतिनिधि बीजेपी के सिद्धांत पर कार्य कर रहे हैं और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ अब पहुंच रहा है, जबकि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में दलित, वंचित और शोषित वर्ग के साथ अन्याय, अत्याचार किया गया। वहीं राठौर ने कहा कि बीजेपी कार्यालय में प्रदेश भर से आमजन पहुंच रहे हैं और कुछ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलने पर पीएम मोदी का आभार जता रहे हैं, तो कुछ महिलाओं ने 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर प्रदान करने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त किया। बीकानेर जिला कलेक्टर नम्रता विश्नोई की पहल पर गुरुवार को बज्जू खालसा पंचायत समिति की रावला ग्राम पंचायत से मिशन सरहद संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर नम्रता विश्नोई ने रामवाला ग्राम पंचायत में प्रगतिरत विकास कार्यों, स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया और स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनकी परियोजनाएं सुनी। इस दौरान ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए जिला कलेक्टर नम्रता विश्नोई ने उनकी समस्या जानी और परिवादों पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को टाइम लाइन देते हुए निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं कलेक्टर ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारी यहां प्राप्त परिवादों के निस्तारण के लिए फील्ड ऑफिसर्स के साथ समन्वय करते हुए प्रकरण निस्तारित करवाएं और इन प्रकरणों को संपर्क पोर्टल में भी ऑनलाइन किया जाएगा और उनके जवाब अपलोड करवाए जाएंगे। और खबर टोंक से है, जहां पर नगर परिषद के उप सभापति बजरंग लाल वर्मा पार्षद पद से बर्खास्त हो गए। जी हां, आपको बता दें कि
बजरंग लाल वर्मा ने 3 संतान होने के तथ्य को छुपाकर चुनाव लड़ा था, जिसको लेकर अजमेर के उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग ने जांच की तो पाया कि उपसभापति बजरंग लाल वर्मा के 3 संतान है। वही 3 संतान होने की पुष्टि होने के बाद उपसभापति बजरंग लाल वर्मा को पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया गया है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, जो मरीजों को हर बीमारी से मुक्ति दिलाते हैं। जयपुर में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। जयपुर के भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के डॉक्टर नरेश लेडवानी, डॉक्टर अरविंद ठाकुरिया और डॉक्टर पुष्पलता गुप्ता की टीम के द्वारा आगरा निवासी 40 वर्षीय संध्या शर्मा के स्तन से 2 फीट आकार की गांठ शल्य क्रिया द्वारा निकाली गई। वही गांठ के विशाल आकार और खून की नसों के अत्यधिक घनत्व के कारण शल्य क्रिया अत्यंत जटिल थी। लगभग 2 घंटे चले इस प्रक्रिया के बाद रोगी पूर्ण रूप से स्वस्थ है और दूसरे दिन से ही स्वयं के सभी कार्य करने में सक्षम है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर नरेश लेडवानी ने बताया कि रोगी महिला स्तन की गांठ में दर्द और घाव में दुर्गंध के कारण हॉस्पिटल में दिखाने आई थी। स्तन में गांठ त्वचा में घाव बनाकर रात बाहर निकल हुई थी। रोगी की ऐसी स्थिति के कारण तत्कालीन रूप से अन्य जांच करवाकर शल्य क्रिया निर्धारित की जाए की गई और गांठ के बड़े आकार के कारण शल्य क्रिया के दौरान सबसे बड़ी चुनौती गांठ को फटने से बचाना और अत्यधिक रक्तस्राव का नियंत्रण करना था। टीम में मौजूद कुशल सर्जन, निश्चेतना विशेषज्ञ और नर्सिंग स्टाफ की वजह से शल्य क्रिया सफलतापूर्वक संपादित हुई। पेशेंट संध्या शर्मा ने बताया कि 2018 में पहली बार उन्हें बाएं स्तन में गांठ बनी, जिसका बीते 5 वर्ष में 3 बार आगरा में ऑपरेशन किया गया, लेकिन गांठ बार बार बनती गई और इस बार आगरा व दिल्ली में दिखाने के पश्चात जयपुर में भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में दिखाने का निर्णय लिया गया, जहां उनके स्तन गांठ की शल्यक्रिया का सफलतापूर्वक संपादन हुआ। आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले हमें लगभग 40 वर्षीय एक महिला अपनी चुनरी में लपेटे हुए एक गांठ को हमारे सामने प्रेजेंट किया। तो जैसे हम लोगों ने इसको गांठ को देखा तो उसका लगभग 2 फीट के आसपास की वो गांठ थी, जिसके मल्टीपल ऑपरेशन हुए चुके थे और वो गांठ फट के ऑलमोस्ट बाहर आ रही थी। इमीडिएटली उसकी असहनीय दर्द और उसकी पोजीशन को देखते हुए हमने ऑपरेशन करने का निर्णय लिया। हमारे सामने चुनौती थी कि इतनी बड़ी गांठ और जिस पेन में वो आई थी उसमें प्रॉपर ढंग से एनेस्थेसियाइज करना, ढंग से ऑपरेशन करना और बाकी जगह उसका स्प्रेड रोकना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, पर हमने अपनी एक टीम बनाई और उस टीम के द्वारा हमने इमीडिएटली उसका ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के दूसरे दिन ही बाद ही जो महिला थी चलने फिरने लायक हुई, रेगुलरली खाना खाती रही और हमने 5 से 6 दिन में उसको डिस्चार्ज कर दिया। लगभग 12 से 15 दिन में उसके टाके वगैरह काटे। आज वो महिला पूरी तरह से स्वस्थ है। जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरे चेस्ट में गांठ हो गई थी, जिसका मैंने 2017 में ऑपरेशन करवाया था। उसके बाद में मेरा ट्रीटमेंट चला, उसके बाद में फिर मेरी ये गांठ दोबारा से हुई 2023 में, जिसका फरवरी में मेरा दोबारा से ऑपरेशन हुआ, जिसका मेरा दोबारा से ट्रीटमेंट चला। बाद में आगरा के बाद मैंने एम्स में दिखाना चालू करा। वहां पे किसी ने मुझे बताया कि महावीर हॉस्पिटल में आपको इलाज प्रॉपरली मिलेगा। तब 2 तारीख को मैं यहाँ पे आई प्रॉपरली, यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे चेकअप करा, यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ और 3 तारीख को मेरा ऑपरेशन हो गया और जिसके बाद से मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है। और सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके में कावट रोड स्थित होटल में फायरिंग कर एमटी ग्रुप 6,565 और आजाद ग्रुप के नाम पर होटल संचालक को जान से मारने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त कार भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और जयपुर में स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में गुरुवार को शिक्षा संकुल में प्रीट परीक्षा की तैयारियों को संबंध में बैठक आयोजित की गई और इस बीच अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 की पात्रता के लिए रीट परीक्षा आयोजन के लिए नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान रहेगा और राफेस पूर्ववत ही रहेगी। परीक्षा उत्तीर्ण के लिए न्यूनतम अंक अपडेट करने और परीक्षा में 5वां विकल्प भी शामिल करने का निर्णय लिया गया है और परीक्षा की संभावित तिथि जनवरी 2025 के दूसरे पखवाड़े में होगी। बैठक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा आशीष मोदी, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा सीताराम जाट,
और सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कैलाश शर्मा, चंद शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। की पात्रता परीक्षा जो रीट है 2024-25 राज्य सरकार ने इसमें जनवरी के दूसरे पखवाड़े में करने का निर्णय लिया है और इसके तहत जो हमारी पूर्व की एजेंसी थी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वही इस परीक्षा को कराएगी और इस परीक्षा के तहत जो इस बार जो नया हम कर रहे हैं जो ऑप्शन हम देते थे चार का अ ब स द ए बी सी डी इसके अलावा एक पांचवा दे रहे हैं तो जो नवीन प्रणाली है ताकि किसी को कोई एलिगेशन नहीं रहे परीक्षा के संबंध में और ये जो तैयारियां हैं इसलिए है कि जो 2022 के बाद जो बच्चे हमारे जो तैयार हुए हैं प्री डीएलएड वगैरह के कोर्सेज के लिए वो इसमें एलिजिबिलिटी में आ जाएंगे और पूर्व के जो बालक हैं जो नीट पास नहीं कर पाए रीट पास नहीं कर पाए उनके लिए एक मौका होगा एक अवसर होगा ताकि वो हमारी जो L1 L2 की आगामी भर्ती में ये पात्र होकर पार्टिसिपेट कर सकें। और श्री गंगानगर में नगर परिषद ने मंगलवार को जिला कांग्रेस कमेटी और अरोड़ वंश ट्रस्ट के अध्यक्ष अंकुर रा मगलानी के निर्माणाधीन होटल के नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य करने पर सील कर दिया गया है और ये कार्रवाई शहर में चर्चा का विषय बनी रही। नगर परिषद ने शहर के कुछ होटल मालिकों को नोटिस जारी किया था। होटल मालिकों पर नक्शे के विपरीत निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया गया था। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अंकुर रा मगलानी भी नए होटल का निर्माण कर रहे हैं। निर्माणाधीन होटल को सील करने के लिए सुबह ही नगर परिषद की टीम वहां पहुंच गई। मिगलानी और उनके समर्थक वहां पर काफी बड़ी संख्या में थे। इस कारण नगर परिषद कार्मिकों ने पुलिस सहायता की मांग की और कोतवाली थानाधिकारी से संपर्क किया। उसके बाद नगर परिषद को पुलिस जाब्ता उपलब्ध हुआ तो मिगलानी के निर्माणाधीन होटल पर सील करने से संबंधित सूचना प्राप्त कर दी और वही चस्पा कर दिए। हालांकि मिगलानी ने दावा किया है कि उन्होंने नोटिस का उत्तर भी नगर परिषद आयुक्त को दे दिया था। वहीं आयुक्त उन्होंने मामले में कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। तीन चार दिन से नगर परिषद का विधायक जी के इशारे पर यह सारा घटनाक्रम हो रहा था कि ये जो होटल पे ये कागज चिपका कर गए हैं ये लगभग 20 साल पुरानी कंस्ट्रक्शन है। हम लोगों द्वारा सिर्फ यहाँ पर रेनोवेशन का काम किया जा रहा है, रंग रोगन और फर्नीचर का नया काम हो रहा है। इनकी भावना देखिए कि 1 अक्टूबर को इन्होंने पहला नोटिस निकाला, 2 अक्टूबर को छुट्टी वाले दिन ये यहाँ नोटिस चिपका कर गए और 2 अक्टूबर को खुद विधायक जी अपने 8-10 आदमियों के साथ सारी जगह देख कर गए। 3 की छुट्टी थी, हमने 4 तारीख को इनको जवाब दिया। हमारा जवाब लेने से पहले इन्होंने 4 तारीख को हमें फिर नोटिस दे दिया। 5 और 6 की छुट्टी थी, 7 को इनको फिर जवाब दिया तो 7 को ही इन्होंने सीजर की कार्रवाई कर दी। विधायक जी पिछले कई दिनों से पहले पुलिस के माध्यम से होटल वालों को धमकाने का काम कर रहे थे और कर रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।